कहानी की शुरुआत में हम मेरिडा को देखते हैं जो अपनी मॉम एलिनोर के साथ खेल रही थी। तभी वहां पर उसके पास उसके फादर फर्गस आते हैं, जहां मेरिडा उनके बो के साथ खेलना चाहती थी, पर फर्गस उसको एक छोटा बो दे देते हैं जिसे देखकर मेरिडा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो तीर चलाने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन उससे कोई भी सही निशाना नहीं लग पाता और उसका तीर जंगल में चला जाता है, जहां वो विस्पो देखती है जिनका होना गुड लक के निशानी माना जाता है। जब मेरिडा वापस जाती है तो वहां उस पर एक डीमन बियर हमला कर देता है और इस बियर का नाम मोर्डू होता है। तब एलिनोर मेरिडा को लेकर वहां से चली जाती है, पर फर्गस मोर्डू के साथ लड़ने लगता है जिससे उसकी एक टांग चली जाती है। अब कहानी 10 साल आगे जाती है, जहां मेरिडा बड़ी हो चुकी थी और अब उसके 3 छोटे भाई भी थे जो कि बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और वो काफी ज्यादा शरारती भी थे। एलिनोर हर वक्त मेरिडा को एक अच्छी प्रिंसेस होने के तौर तरीके सिखाती रहती थी, जिसमें वो उसको प्रिंसेस की तरह चलना, बोलना, खाना और लोगों को एड्रेस करना सिखाती थी। लेकिन मेरिडा को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है कि एलिनोर उसको खुद की जैसा बना रही है। अब एक दिन वो सबसे नजरें बचाकर अपने घोड़े अंगस पर सवार होकर जंगल में चली जाती है, जहां वो हर एक टारगेट को एम करती है और वो बहुत ही अच्छी आर्चर बन चुकी थी। इस दिन वो बहुत ही फ्री महसूस करती है। जब वो वापस आती है तो सब लोग डिनर कर रहे थे, जहां वो अपने भाइयों को रिश्वत के तौर पर अपनी सारी ड्रेसेस दे देती है। उसी दौरान एलिनोर फर्गस को मिरांडा से बात करने को कहती है, जहां फर्गस मिरांडा को बताता है कि कल उनके वहां पर 3 क्लैन के लीडर अपने बच्चों को लेकर आएंगे, जिनमें से वो लोग मिरांडा के लिए मैच ढूंढेंगे। लेकिन मिरांडा इस सब के लिए मना कर देती है, पर एलिनोर उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। अब रूम में जाकर एलिनोर मिरांडा को कहानी सुनाती है कि एक वक्त पर एक किंगडम में 4 प्रिंस रहते थे और उनके फादर ने उन 4 प्रिंस में अपने पूरे किंगडम को बांट दिया था। लेकिन उनमें से सबसे बड़े भाई ने चाहा कि वो सारी पावर अपने पास रखे, और ऐसा चाहने के कारण सारा किंगडम बर्बाद हो गया। अब मिरांडा को इस स्टोरी का अपनी शादी से कोई भी ताल्लुक समझ नहीं आता और वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर एलिनोर उसको कहती है कि अच्छी प्रिंसेस को ऐसा करना ही पड़ता है। जिस पर मिरांडा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है, और दूसरी तरफ एलिनोर को भी बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन एलिनोर मिरांडा को बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती है। फिर उनके वहां पर 3 क्लैन के शिफ्टियंस अपने फर्स्ट बॉर्न लड़कों को लेकर वहां पर आते हैं, जो कि एलिनोर का हाथ मांगने के लिए आए थे। लेकिन वो तीनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिनको फर्गस शांत करवाता है। अब थोड़ी देर बाद उनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और एलिनोर उन सबको कान से पकड़कर ठीक करती है। फिर एलिनोर अनाउंस करती है कि क्या गेम्स खेले जाएंगे, जिसका फैसला मिरांडा करेगी, जहां मिरांडा आर्चरी खेलने के बारे में कह देती है। और अगले दिन जब गेम का टाइम होता है तो तीनों प्रिंस ठीक से निशाना नहीं लगा पाते। तब मिरांडा वहां पर खुद आती है और कहती है कि वो डूनब्रॉक के किंगडम की फर्स्ट बॉर्न है और वो खुद अपना हाथ मांगना चाहती है। इसके बाद वो सारे निशाने सही लगा देती है और एलिनोर उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है। अब वापस महल के अंदर जाकर एलिनोर और मेरिडा के अंदर बहस शुरू हो जाती है, और मेरिडा एलिनोर का बनाया हुआ पोर्ट्रेट कार्ड देती है, जिसमें उसने मेरिडा का हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर एलिनोर मेरिडा का बो फायरप्लेस में फेंक देती है। अब इस सबसे दुखी होकर मेरिडा एंगस के साथ जंगल में चली जाती है और वहां जाकर एक जगह पर गिर जाती है, जहां बहुत सारे पिलर्स लगे हुए थे, और वहां पर उसको बहुत सारे विस्प नजर आते हैं, जिनको फॉलो करते हुए मेरिडा एक कॉटेज में पहुंच जाती है, जहां पर एक विच थी और वो बहुत सारी कार्विंग्स कर रही थी। तब वो मेरिडा को खुद से कुछ खरीदने को कहती है, जिस पर मेरिडा उसको कहती है कि वो सब कुछ खरीद लेगी और वो उसको अपने पेंडेंट भी दे देगी, पर शर्त ये है कि वो विच उसको अपना मैजिक स्पेल देगी, जिससे कि वो अपनी मॉम को बदल पाए और अपना फेट भी बदल पाए। ये सुनकर वो विच मान जाती है और अपने मैजिक से एक चीज केक बना कर दे देती है, जिसको खाने से मेरिडा की विश पूरी हो जाएगी, पर वो मेरिडा को वार्निंग बताना भूल जाती है। अब घर आकर मेरिडा एलिनोर से मिलती है और एलिनोर उसको फिर से क्लांस के चीफियन से मिलने को कहती है। ये देखकर मेरिडा को पूरा यकीन हो जाता है कि एलिनोर उसकी शादी करवा कर ही रहेगी, तो मेरिडा उसको चीज केक खिला देती है। इसके साथ ही एलिनोर मेरिडा को अपने साथ ले जाने लगती है, पर उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है और रूम में जाकर एलिनोर की हालत काफी बुरी हो गई थी। तभी एलिनोर बेड की दूसरी तरफ गिर जाती है और जब मेरिडा उसको देखती है तो उसको पता चलता है कि एलिनोर अब पूरी तरह से एक बियर में बदल चुकी है, जिससे डरकर मेरिडा उसको सब कुछ बता देती है। उसी दौरान फर्गस को एलिनोर की बियर की आवाज आती है और वो सबको लेकर ऊपर जाने लगता है। वहीं एलिनोर और मेरिडा को उनकी सर्वेंट मौदी देख लेती है और डरकर भागने लगती है। तब बाहर जाकर वो ये बात फर्गस को भी बता देती है कि महल के अंदर एक बियर है। फिर मेरिडा और एलिनोर छुपकर महल से जा रहे होते हैं। वो दोनों छुपकर एलिनोर के रूम में पहुंचते हैं, जहां उसके तीनों बच्चे चीजों को तहस नहस कर रहे थे और एलिनोर बियर बनकर भी उनको सब कुछ सही करने को कह देती है। इतने में ही वहां पर मेरिडा आ जाती है और अपने तीनों भाइयों को पूरे साल के लिए डेजर्ट देने के बदले उनकी मदद करने को कहती है। तब उनमें से 2 बियर की आवाज निकालकर और शेडो बनाकर फर्गस और बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि एक एलिनोर और मेरिडा की मदद करता है। थोड़ी देर बाद फर्गस और बाकी सब छत पर पहुंच जाते हैं। उसी दौरान एलिनोर और मेरिडा भागकर बाहर आ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं।
अब जंगल में जाकर उनको कहीं पर भी विष नहीं मिलती, पर थोड़ी देर बाद मेरिडा विष का कॉटेज ढूंढी निकालती है और वहां जाकर उनको पता चलता है कि कॉटेज खाली है। फिर मेरिडा को एक पॉट में कुछ पोशन डालकर पता चलता है कि विच स्प्रिंग सीजन तक वापस नहीं आएगी और वो उनको बताती है कि एलिनोर दूसरे दिन की सूरज की रोशनी पड़ते ही हमेशा के लिए बियर में बदल जाएगी और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जब तक वो अपने प्राइड के कारण टूटे हुए रिश्तों को फिर से नहीं जोड़ती वो ऐसे ही रहेगी। ये देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। तभी वो लोग फिर से उन्हें पिलर्स के बीच में होते हैं और घर गायब हो जाता है। अगली सुबह उठकर एलिनोर ने एक टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बेरीज और पानी रखा होता है, पर मेरिडा उसको बताती है कि बेरीज जहरीली है और पानी में कीड़े हैं, जिसके बाद मेरिडा एलिनोर के लिए फिश का शिकार करती है पर उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। और फिर मेरिडा एलिनोर को पानी में से खुद ही मछली पकड़ने को कहती है। इन सब में उन दोनों का बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। अब जंगल में वापस जाकर एलिनोर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एक बियर की तरह बिहेव करने लगती है और भूल जाती है कि वो एक इंसान है। तब मेरिडा उसको बड़ी मुश्किल से शांत करवाती है, जिससे पता चलता है कि उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। अब उनको फिर से विस्प नजर आते हैं और उनको फॉलो करते हुए वो लोग एक पुराने खंडर तक पहुंच जाते हैं, जिसमें मेरिडा गिर जाती है और वहां वो देखती है कि जो स्टोरी उसको उसकी मॉम ने बताई थी वो बिल्कुल सच थी और वहां पर सच में चार भाई रहा करते थे। अब एक कार्विंग में देखकर पता चलता है कि उनमें से एक ने खुद को अलग किया हुआ था। अब मिरांडा को भी बस समझ आ चुकी थी कि उस प्रिंस ने भी यही मैजिक यूज किया था। तभी उसके ऊपर मोडू हमला कर देता है और ये वही प्रिंस था जो कि अब पूरी तरह से डीमन बियर बन चुका था। अब मेरिडा बहुत ही मुश्किल से एलिनोर का हाथ पकड़कर खंडर से बाहर आती है और अपनी जान बचाती है, पर मोडू वहां भी आ जाता है और उनके पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचकर वहां से भाग जाते हैं और आखिर में फिर से उन्हीं पिलर्स के पास पहुंच जाते हैं जहां पर मोडू गायब हो जाता है, क्योंकि मोडू के खंडर में एक कार्विंग में भी उसने अपने आप को अलग किया हुआ था। तब मेरिडा को भी याद आता है कि उसने अपने एक पोर्ट्रेट में एलिनोर को भी खुद से अलग किया था। तब उसको समझ आता है कि विच किस तरह से उसे अपने बॉन्ड को बनाने को कह रही थी। अब एलिनोर और मेरिडा वापस से महल के अंदर जाते हैं जहां सब लोग आपस में लड़ रहे थे और वहां जाकर एलिनोर मेरिडा को कहती है कि सिर्फ वही है जो अब सबको ठीक कर सकती है। तब मेरिडा अकेली अंदर चली जाती है ताकि वो सबको डिस्ट्रैक्ट कर सके और एलिनोर सबको चकमा देकर ऊपर चली जाएगी। फिर मेरिडा अंदर जाकर सबके बीच में उन्हें कहती है कि उन्हें लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उन लोगों की ग्रेट बॉन्ड की वजह से उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। फिर वो उनको उस प्रिंस की स्टोरी याद करवाती है, पर वो सब कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, जिस पर मेरिडा उनको एलिनोर की बात कहती है कि हर एक कहानी में एक सीख छुपी होती है और हर कहानी किसी न किसी एक सच से निकलती है। ये सुनकर एलिनोर को मेरिडा पर बहुत प्राउड फील होता है। तब सभी चीफियंस को अपना आपसी भाईचारा याद आ जाता है। अब इससे पहले कि मेरिडा उन सबके आगे अपनी शादी की बात रखती, तब एलिनोर उसको रोक देती है और उसे इशारों में समझाती है, जिससे मेरिडा उन सबके सामने बोलती है कि उन सबको अपने बच्चों को पार्टनर चूज करने का हक देना चाहिए, जिसे वो सिर्फ एक दूसरे के प्यार से चूज करे, ना कि अपने पेरेंट्स की फोर्स करने से और ना ही गेम्स खेलने की वजह से। उनको शादी सिर्फ तभी करनी चाहिए जब उनको प्यार हो, ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं। तभी मेरिडा देखती है कि एक गार्ड को वहां खड़ी एलिनोर पर शक हो रहा था कि कहीं वो असली तो नहीं। तब मेरिडा सबको सेलर में सेलिब्रेट करने के लिए भेज देती है। इसके बाद वो दोनों वापस रूम में पहुंच जाते हैं और उनको वो पोर्ट्रेट वापस से स्टिच करने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसी दौरान फर्गस को एलिनोर के कमरे में उसका गाउन पड़ा हुआ मिलता है और उसको लगता है कि एलिनोर खतरे में है, इसीलिए वो मेरिडा के पास पहुंच जाता है जहां उसे एलिनोर बियर बनी हुई मिलती है, जिसे देखते ही फर्गस को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिनोर पर हमला कर देता है, जहां मेरिडा उसको रोकने की कोशिश करती है पर फर्गस उसको भी चोट पहुंचा देता है। ये देखकर एलिनोर वहां से भाग जाती है। अब मेरिडा फर्गस को सच बताने की कोशिश करती है पर फर्गस को लगता है कि मेरिडा कहानी बना रही है और वो उसको रूम में लॉक कर भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिनोर जंगल में भाग जाती है और बाकी सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी मेरिडा को रूम के बाहर उसके तीन भाई नजर आते हैं जो कि खुद भी बियर कप्स में बदल चुके थे क्योंकि उन्होंने वो बचा हुआ चीज केक खा लिया था। तब मेरिडा उनको मौदी से की लाने को कहती है और वो तीनों मौदी को डरा कर उसे की छीन कर ले आते हैं। फिर आजाद होने के बाद मेरिडा वो पोर्ट्रेट स्टिच कर देती है और अपने घोड़े के ऊपर बैठकर जंगल की तरफ जाने लगती है, जहां जंगल में उसको फिर से विस्प नजर आते हैं जिनको फॉलो करते हुए वो उन्हीं पिलर्स के बीच में पहुंच जाती है और वहां जाकर वो देखती है एलिनोर को सब लोगों ने पकड़ा हुआ है और फर्गस एलिनोर के सर के ऊपर मारने ही वाला था, लेकिन मेरिडा वक्त पर पहुंचकर एलिनोर को बचा लेती है और फर्गस से लड़ने लगती है, लेकिन वो फर्गस को रोक नहीं पाती और उसे पकड़ लिया जाता है। तभी वहां पर मोडू आ जाता है और सब लोग उससे लड़ने जाते हैं, लेकिन इसे कोई भी नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि फर्गस भी, जिसके बाद मेरिडा उससे लड़ने जाती है जहाँ मोडू उसे खाने ही वाला था, लेकिन एलिनोर सबसे छूटकर मोडू से लड़ने आ जाती है और उन दोनों में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में एलिनोर एक पिलर से जा टकराती है और उसमें दरार पड़ जाती है। ये देखकर उसको आइडिया आता है कि वो पिलर को मोडू पर गिरा सकती है,
जिसके बाद वो मोडू को बहुत बार पिलर से मारती है। और जब मोडू फिर से मेरिडा की तरफ आता है तो उस पर वही पिलर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर उस पिलर के अंदर से एक विष बाहर निकलता है जो कि असल में वो प्रिंस की आत्मा थी जो अभी अभी डीमन बियर की बॉडी से आजाद हुआ था। और वो इसके लिए मेरिडा और एलिनोर को शुक्रिया कहता है। अब सुबह होने ही वाली थी और मेरिडा एलिनोर के ऊपर वो सिला हुआ पोर्ट्रेट रख देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर मेरिडा को लगता है कि शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और वो एलिनोर के साथ चिपक कर रोने लगती है और उससे माफी मांगती है। तभी एलिनोर फिर से इंसान बन जाती है क्योंकि जो बॉन्ड टूटा हुआ था वो अब जुड़ गया था और अब वो दोनों फिर से साथ थी। इसी के साथ ही मेरिडा के तीनों भाई भी फिर से इंसान बन जाते हैं। अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ही खुश हैं और सभी क्लैंस के प्रिंस सब वापस जा रहे हैं। अब एलिनोर और मेरिडा भी एक दूसरे को समझती हैं और एलिनोर उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करती। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।